जनपद संभल के गुन्नौर तहसील परिसर में सपा के पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष अमित यादव ने फर्जी एनकाउंटर को लेकर व महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर किया प्रदर्शन। संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष अमित यादव ने काफी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ गुन्नौर तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर, संदेह के घरों में ही कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों का काला चिट्ठा खोलने से बजाय उसके सहयोगी की बात करें, प्रभात मिश्रा नामक नाबालिग का झूठा एनकाउंटर किया है व अमर दुबे का भी एनकाउंटर, इन सभी की जांच उत्तर प्रदेश में सभी एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जज से कराई जाए, एक जाति विशेष के लोगों की हत्या हो रही है उनका भी संज्ञान लिया जाए, अगर ये एनकाउंटर फर्जी हो तो सभी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए व 1 नौकरी दी जाए, उत्तर प्रदेश सरकार फेल, महिलाओं का उत्पीड़न बलात्कार उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है ये? आपने ये मीडिया के माध्यम से देखा होगा जो एनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ साथ अमर दुबे नामक और प्रभात मिश्रा नामक के 2 युवकों का भी एनकाउंटर किया गया है, जबकि प्रभात मिश्रा पर एक भी NCR नहीं थी, मात्र उसी दिन का केस लगाकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक कदम हुआ है। हम इसके विरोध में और इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो फर्जी एनकाउंटर शासन के द्वारा ये प्रशासन करा रहा है, पुलिस प्रशासन करा रहा है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था। हमने SDSM गुन्नौर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से अपील की है कि सभी एनकाउंटरों की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों से जाँच की जाए और जाँच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं सरकार वाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा वो उनके घर में 1 नौकरी दी जाए, हमारी ये मांग थी और ये मांगे हमने SDSM साहब के द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को दी हैं और उनसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात, हत्या बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं और किसानों की जो आत्महत्या हो रही हैं, इनसे संबंधित जो महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, साथ साथ सबसे दुखदपूर्ण जो हमारे फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और एक जाति विशेष का भी हत्याएँ लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, इनके विरुद्ध ही हमारा धरना प्रदर्शन।